हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की। तो आप लोगों ने नींबू या संतरा टेस्ट करके देखा होगा, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? एग्जैक्टली खट्टा होता है, ठीक है। यानी जो संतरा और नींबू ये चीजें होती हैं, ये सार होती है टेस्ट में, ठीक है। और अगर अब मैं ये बताऊं आपको कि इन चीजों में एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप इस चीज से क्या कंक्लूड करेंगे? एग्जैक्टली जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में, ठीक। एक और चीज जिससे हम पता कर सकते हैं एसिड्स का, वो ये कि एसिड्स जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो जो इसकी ये कॉमन डेफिनेशन है, Substances which are sour in taste and turn blue litmus into red are known as acids, ठीक है। तो जो भी substances क्या करते हैं, सार होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है जो आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक। तो अब इसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी सोल्यूशन में डिजोल्व करें और उसमें डिजोल्व होने पे वो या तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, तो उसको हम एसिड कहते हैं। तो अगर अब हम एसिड को डिफाइन करना चाहें तो उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन अ सोल्यूशन इज टर्म्ड एज एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो H+ आयन हो गया, और जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसको हम H3O+ आयन लिखते हैं, ठीक। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एसिड है, ठीक। एक्चुअली HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन ही बनाता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन वाटर की प्रेजेंस में मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक। तो अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, ठीक। लिटमस पेपर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। वो जो इसकी कॉमन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इंटू ब्लू आर टर्म्ड एज बेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी एडवांस लेवल की डेफिनेशन पे। तो वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे OH आयन प्रोड्यूस करते हो, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हो, उनको हम बेस बोलते हैं, ठीक। तो अगर इसे हम डिफाइन करें तो द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज बेस। तो अब बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। तो जब भी हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये ब्रेक डाउन होके बनेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होके हाइड्रोक्साइड आयन भी बना रहा है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। तो अब बात करते हैं सॉल्ट की। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें बराबर ही एनायंस हो और बराबर ही कैटायंस हो, यानी उतने ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो और उतने ही नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए कंपाउंड, यानी उस पर कोई चार्ज ही ना रह जाए, बाद में न्यूट्रल हो जाए वो, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ड्यू टू विच इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज टर्म्ड एज सॉल्ट, ठीक। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम कॉमनली घर पे यूज करते हैं। तो जो NaCl होता है वो Na+ और Cl- से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया कैटायन, और इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया एनायन, इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों को मिला के ये बना NaCl, और अब इसके ऊपर क्या हुआ, कोई भी चार्ज नहीं है,
क्योंकि इसका एक पॉजिटिव चार्ज और इसका एक नेगेटिव चार्ज आपस में मिलके कैंसिल हो गए। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें उतने ही कैटायन और उतने ही एनायन आपस में मिलके एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हो, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिकेटर की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक, इंडिकेटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। तो अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंसेस विच अकर नेचुरली एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें नेचुरली मिलता हो और किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस की प्रेजेंस के बारे में हमें बताता हो, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए रेड कैबेज लीव्स हो गई, ठीक है, टर्मरिक हो गया, अनियन हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ मैन मेड केमिकल सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मैन मेड केमिकल सब्सटेंस जो हमें एसिड या बेस की प्रेजेंस के बारे में बताता हो किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे टर्म्स में इसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और टाइप के इंडिकेटर की, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों में इंक्लूड होता है। ठीक, तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर टर्म्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कोई भी वो सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को चेंज कर देता हो, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए अनियन, क्लोव, वेनिला, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अब बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। तो एक लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का डाई होता है जिसको हम लीचन से बनाते हैं। लीचन क्या होता है, जो पत्थर होते हैं या फिर पेड़ होते हैं उनपे एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखता है हमें, एल्गी टाइप का जो होता है उसको हम लीचन बोलते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो लीचन से बनता है। इट इज नीदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है नेचर में, लेकिन वो और सब्सटेंसेस का एसिडिक और बेसिक नेचर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट जो है इट एक्ट्स एज नेचुरल इंडिकेटर। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है क्योंकि हमें नेचर में फ्रीली मिल भी जाता है और ये हमें किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस की प्रेजेंस के बारे में भी बताता है। तो आई होप हमने आज जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।